जवानों का ऑपरेशन जारी है। एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाने वाले जवानों का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें जवान उफंती नदी पार करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कल बीनागुंडा इलाके में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद जवान जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए नजर आए। और इतना ही नहीं, पानी न मिलने पर जवानों ने बारिश का पानी जमा कर अपनी प्यास बुझाई। उफंती नदी नाले पार कर जवान चला रहे हैं एंटी नक्सल ऑपरेशन। कल बीनागुंडा में हुई मुठभेड़ के बाद लौटते जवानों का एक वीडियो सामने आया है। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं जवान। नक्सली ऑपरेशन के दौरान पीने का पानी उन्हें नहीं मिला तो बारिश का पानी इकट्ठा किया और फिर उससे अपनी प्यास बुझाई। तस्वीरें आप देख सकते हैं NDTV पर एक्सक्लूसिवली, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये उन जवानों की तस्वीरें हैं जो नक्सली इलाकों में सक्रिय हैं। वहाँ पर नक्सली उनके खिलाफ लगातार ऑपरेशन में लगे हुए हैं। जवानों की ये टीम है। इस दौरान उन्हें जब पीने का पानी नहीं मिला, नदी पार करते हुए देखिए आप तस्वीरें देख रहे हैं, पूरा सामान सर पे रखा हुआ है और नदी को पार कर रहे हैं। उन्होंने उसके बीच उन्हें जब प्यास लगी, जब पीने का पानी नहीं मिला तो बारिश का पानी उन्होंने इकट्ठा किया और उस पानी से अपनी प्यास बुझाई। ये देखिए तस्वीरें, किस तरीके से बारिश के पानी को इकट्ठा किया और उससे अपनी प्यास बुझाते हुए नजर आ रहे हैं। नीरज तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। नीरज, हम NDTV पर एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो जवान हैं वो काफ़ी संख्या में पहले तो नदी पार कर रहे हैं, किस तरीके से दुर्गम परिस्थितियों में रहकर वो ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। और यहाँ पर जो एक तस्वीर जो सबका ध्यान खींच रही है वो ये कि बारिश के पानी को इकट्ठा कर फिर उससे अपनी प्यास बुझाते हुए कुछ जवान नजर आए। है ये काफी बिगड़ इलाका है, नक्सल इलाका है। कल इस इलाके में जो है मुठभेड़ हुई थी। छोटे बेठिया का वो इलाका है, बीनागुंडा गांव था, जहां पर जो जंगली इलाके हैं वहां पर ये कल मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के बाद ये तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह जवान जो है उफंती नदी नालियों को पार कर माओवादी का शव लेकर अपने साथ पहुंच रहे हैं। इस दौरान एक और वीडियो निकलकर सामने आया है, उसमें साफ दिख रहा है कि जवान जो अपनी प्यास बुझाने के लिए, उनको कोई मिनरल वाटर नहीं है लेकिन बारिश का पानी ही उनके लिए मिनरल वाटर बन गया। उसे उन्होंने एक झिल्ली में एकत्र किया और अपने बॉटल में भरकर उसकी अपनी प्याज बुझाई है। ये काफी एक्सक्लूसिव वीडियो है जो NDTV के हाथ लगा है और देख सकते हैं, क्योंकि ये जो जवान है ये लगातार बारिश में भी एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं, नदी नालों को पार कर रहे हैं। कितनी कठिनाइयां होती हैं, बावजूद उसके जवानों के हौसले बुलंद हैं, ये जवान अंदर घुस रहे हैं। हमने देखा था कि जब हापा टोला और जो चिल पर जो छोटे बेटे का जो हापा टोला में जो 29 माओवादी मारे गए थे, उस दौरान भी यही समस्या आई थी। उस दौरान हम भी उस ग्राउंड जीरो पहुंचे थे जहां हमको एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हुआ था। हमने भी वहां पर एक छोटे से डबरी नुमा देखा था, वहां का पानी पिया था। तो हम समझ सकते हैं कि इस भीषण गर्मी में जब जवानों के पास पानी ना हो या पीने के लिए बूंद भर पानी ना हो तो जवान आखिर करे तो करे क्या। तो जवानों का ये जो वीडियो निकल कर सामने आए हैं, जवान के हौसले को बुलंद करता है कि किस तरह कठिनाइयों से भरे इस सफर को भी वो पूरा करते हैं और बारिश को पानी को पीने के लिए वो मजबूर हैं, लेकिन एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए वो हमेशा तटस्थ हैं। बिल्कुल नीरज, किस तरीके की परिस्थितियों में ये लोग काम कर रहे हैं हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से एंटी नक्सल मूवमेंट है जो जारी है लगातार, और नक्सलियों को मार भी गिराया जा रहा है, उनके ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में कहना गलत नहीं होगा कि पूरी तरीके से जो बार बार सरकार का नारा भी रहा है कि अब पूरी तरीके से नक्सलियों की जो मूवमेंट है उसको खत्म कर दिया जाएगा, नक्सलियों का सफाया कर दिया जाएगा, इस तरह की तस्वीरों से उस पर और भी विश्वास पक्का हो जाता है। जी बिल्कुल, विश्वास पक्का हो जाता है। लेकिन देखिए आप, सबसे बड़ी बात यह है कि जब से BJP गवर्नमेंट बनी है तब से जवानों के मनोबल काफी मजबूत हैं। सरकार यही कह रही है कि नक्सलवाद का समाप्ति करना है, चाहे वो हम गृहमंत्री अमित शाह की बात करें या फिर स्टेट की BJP सरकार की बात करें। दोनों ही राज्य जब से डबल इंजन की सरकार बनी है तब से लगातार माओवादी की सफाई के लिए जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं। अब तक 2024 में जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें यही है कि लगभग 137 से 138 माओवादियों को मार गिराया गया है। जवान के हौसले बुलंद है, ठंड गर्मी बारिश में जवान जो है लगातार इलाकों की मार रहे हैं। ये जो इलाका है ये काफी बिहड़ इलाका है। बस्तर के इलाके में कई ऐसे दुर्गम इलाके होते हैं जहां पर पहुंचना संभव नहीं हो पाता, इसी तरह के नदी नाले मिलते हैं, नदी नाले उफान पर रहते हैं, कई ऐसे गांव रहते हैं जो दुर्गम मुख्यालय से, ब्लॉक मुख्यालय से कट जाते हैं। बावजूद इसके जवान जो है इसी जंगलों में घुसते हैं, नक्सलियों से लोहा लेते हैं और इस तरह की सफलता हाथ लगती है। जवानों के हौसले इतने बुलंद है कि वो नदी नाले भी उनके कदम नहीं रोक पा रही है, उनमें देशभक्ति का जुनून है जिसके कारण इस तरह की लगातार सफलता मिलती जा रही है। और पुलिस यह भी कह रही है कि बारिश हो या ठंड हो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, माओवादियों के खिलाफ लड़ाई जारी है और आगे भी जारी रहेगी। जी नीरज, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो माओवादियों के खिलाफ लड़ाई जारी है और आगे भी जारी रहेगी,
और तस्वीरें आप देख सकते हैं उस जोश और जज्बे की, जिस तरीके से वहाँ पर जवान लगे हुए हैं, ना एंटी नक्सल मूवमेंट में वो लगे हुए हैं।